आरटी एक्शन कमेटी में आपका स्वागत है। आप सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखें कि हम जो भी आपको वीडियो भेजते हैं उसमें हमारी बहुमूल्य कीमती जानकारी होती है और उस जानकारियों को आप देख ही नहीं पाते। तो यहाँ सब मुझे दिखता है कि कौन वीडियो देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। कई पेरेंट बोलते हैं सर हम तो देख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, 7,500 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और वीडियो जो देखते हैं वो 200 से 250, तो इतनी मेहनत करके फ़ायदा क्या है। तो आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे बार बार ये पूछा जा रहा है कि तीसरा राउंड कब होगा, तो भी मैं आपको जानकारी क्लियर कर दे रहा हूँ कि तीसरा राउंड जो होगा अभी हमारे पास डेट आने की है, जैसे ही आएगी हम उसकी जानकारी दे देंगे। इसके बाद मैं आपको और दूसरी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि कार्ड के लिए मुझे बार बार आप मैसेज करते हैं। जब मैंने आपको बोल दिया कि विलास तिजारे जी वो सारी चीज़ें देखेंगे, वही आपको सारा मार्गदर्शन करेंगे। और ये देखिए कि अभी हमने आज ही काफ़ी पेरेंट्स के एडमिशन्स नहीं हो रहे थे वो करवाए हैं। हमने संगठन तैयार किया है, ये हमारी कार्यकर्णी हैं और हमने एक संकल्प लिया है आज के पीटीए को हम पूरे देश में लागू कराएंगे। और इसी के लिए हमने क्या क्या पीटीए होता है, कैसा होता है, कैसे उसमें जाना है, ये सारी जानकारी यहाँ पे हमने वीडियो के माध्यम से तैयार की है। तो आप बराए मेहरबानी इसको देखें। और रही कॉपी किताब और ड्रेस देने की, तो वो भी बहुत जल्दी हो जाएंगी, वो भी मांग आपकी। इसके ऊपर में भी काम चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप संयम रखिए। और इसमें कैसा है कि एक लड़ाई है और मैंने बताया है कि बच्चे का जो अधिकार है वो स्कूल वाले कभी नहीं छीन सकते, उनको देना ही पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपके साथ में हूँ। तो आप लोग बार बार मुझे वही कहते हैं कि सर स्कूल वाले दे नहीं रहे, ये आप कह रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि हम लोग उस पर पूरी हमारी बातचीत जारी है। कई स्कूल वालों को हमको पीटीए के माध्यम से सही करना पड़ेगा। और पीटीए का मैं आपको बता दूं कि नर्सरी से लेके 10 तक का पेरेंट्स जो है पीटीए के लिए हकदार है। और पीटीए आप खड़े होके करवाइए, और पीटीए नहीं करने पर आप हमें बताइए, और पीटीए आपका अधिकार है। इसके साथ में देखिए ट्रांसपोर्टेशन कमेटी होती है, उसमें ड्राइवर का वेरिफिकेशन होता है, अटेंडेंट जो है वो लेडी होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की, तो उसके भी लिए आपको पूरी तैयारी से ये करना है। इसके बाद में सेफ्टी की एक कमेटी होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको लागू करवानी है। और आप ये ध्यान में रखिए कि ज़रा भी कुछ होता है तो हम आपके पीछे खड़े हैं। और हमारे पेरेंट्स जो है अभी एक के बाद एक तैयार हो रहे हैं। और आप लोग कहते हैं कि मेरे से बात नहीं हो पाती, मैं जवाब नहीं देता, कई कहते हैं कि टैक्स करने के बाद भी जवाब नहीं मिलता। तो जब मैं वीडियो में सारी चीज़ें डाल देता हूँ तो फिर मैं आपकी जवाब क्या दूंगा, आप लोग के वही सवाल रहते हैं। जब मैंने एक चीज़ वीडियो में डाल दी है, और दूसरा ये कि मैं अपने वीडियो में एक दिन पहले ही बोल देता हूँ कि आज मैं आपसे फ़ोन पर बात करूँगा, तो जब आप मेरे को कॉल करिए ना जब मैं आपसे बात करता हूँ। और अभी हमारी मेम्बरशिप ड्राइव चल रही है पूरे देश के लिए, तो देखिए जिनके कार्ड बनने हैं उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है हमको मैसेज करने की, वो सीधा विलास तिजारी जी से बात करेंगे। और जो बाहर स्टेट के जो हैं और बाहर सिटीज़ के, वो डायरेक्टली मुझे मैसेज करें, मैं उनका कार्ड बना के ऑनलाइन डिजिटल कार्ड भेज दूंगा। क्योंकि मेंबरशिप होना बहुत ज़रूरी है, इसको आप समझिए। क्योंकि अभी ये पेरेंटों को समझ में आ रहा है, जो पेरेंट स्कूलों में जा रहे हैं और जो सम्मान उनको एक कमेटी की तरफ से मिल रहा है वो बड़ा सराहनीय है। आप सभी को हमारी आरटी टीम के तरफ से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि इस सत्र का हमारा जो अभी एक नया आंदोलन है कि हमको पीटीए का आंदोलन छेड़ना है। पेरेंट टीचर एसोसिएशन जिसको हम बोलते हैं, हमारी पूरी वर्किंग कमेटी यहाँ पे आज उपस्थित है और ये संदेश हमको पूरे देश में देना है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीटीए क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नियम क्या कहता है और आपको कैसा इसको अमल में लाना है। तो देखिए पेरेंट टीचर एसोसिएशन में आपको सबसे पहले 50 रुपये देके आपके स्कूल में अपने आप को पंजीयन करना है। और प्रिंसिपल यदि ये पैसे नहीं लेती है तो आपको डायरेक्ट पोस्टल ऑर्डर से ये पैसा दे देना है।
मैं आज इस संगठन के माध्यम से सभी प्राध्यापकों को सूचित कर रहा हूं कि हमारा हक अगर नहीं देंगे तो हम लड़के लेंगे। और दूसरी चीज, ये संवैधानिक अधिकार है, हमारे एससी एसटी के भी पेरेंट है, यदि अगर कोई प्रिंसिपल हमारे अधिकारों का हनन करता है तो वो जेल जाने तैयार रहे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट शासन निर्णय निकाला है और संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी शोषित पीड़ित व्यक्ति का ऊपर में अन्याय नहीं होना चाहिए, और यदि अन्याय होता है तो वो सजा का पात्र है, चाहे वो कोई भी रहे, चाहे देश का कितने भी सर्वोच्च पद में क्यों ना बैठा रहे। तो ये आप इसको ध्यान में रख लीजिए। दूसरी चीज ये कि पीटीए के अंदर में चुनाव होंगे, चुनाव किस प्रकार होंगे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हर क्लास से एक एक पेरेंट को लिया जाएगा, और लेने के बाद उसकी वर्किंग कमेटी बनेगी, वर्किंग कमेटी बनने के बाद उसमें सेक्रेटरी बना जाएगा, सेक्रेटरी एक स्कूल का रहेगा, वाइस प्रिंसिपल जो वहाँ रहता है वो सेक्रेटरी हो सकता है, और हमारे पेरेंट के तरफ से एक जॉइंट सेक्रेटरी रहेगा। इस तरीके से पूरी प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद में स्कूल द्वारा जब भी आपको कोई फीस अगर उनको बढ़ाना है तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा पूरी पीटीए की टीम से, और उसके लिए स्कूल की बैलेंस शीट और आरटी के बच्चे और सारा लेखा जोखा के स्कूल में कितनी कमाई हुई, स्कूल घाटे में है कि प्रॉफिट में है। इसके बाद में जो टीचरों को पेमेंट देनी है, जो नॉन स्टाफ को उनको पेमेंट देनी है, उसका भी लेखा जोखा उनको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि हमको पैसे बढ़ाना है अपने अलग स्टाफ को देने के लिए, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा कि जो कर्मचारी को पेमेंट वो दे रहे हैं वो हमारा सातवें वेतन आयोग के अनुसार है कि नहीं है, उसकी पेमेंट की डिटेल होगी आरटीजीएस की, यानी कायदे में ऐसा नहीं चलेगा कि हमने बोल दिया कि पेमेंट दे दिया, ये हर पेपर में सिग्नेचर होगी एग्जीक्यूटिव कमेटी की, तो ये आपका अधिकार है। दूसरा एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि वो स्कूल से आपको कोई ट्रिप लेके जाना चाहते हैं तो उसकी परमिशन भी शिक्षण अधिकारी कार्यालय से लेना पड़ेगा, और उसकी जानकारी आपको बताई जाएगी कि कितने में बस जा रही है, कहाँ जा रही है, कौन लेके जा रहा है, तो उसमें स्कूल की जिम्मेदारी सारी रहेगी, ना कि आपकी रहेगी। फिर इसके बाद में क्या पैटर्न आप पढ़ाने वाले हो उसका पूरा आपको लेखा जोखा देना पड़ेगा कि आप कौन सा पैटर्न आप पढ़ाने जा रहे हैं, और वो इस जो किताबें वो कौन से इसकी है, बाल भारती की है कि सीबीएसई के लिए इसकी है अपना एनसीईआरटी की, एक ये बात हो गई। इसी के साथ चार मीटिंगें साल में करनी है, 1, 2, 3, 4, और हर मीटिंग में अपग्रेड्स करना है, यानी बच्चा फेल हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट देना है कि उसको कोप अप कैसे करेंगे, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस कैसे करेंगे, ये सारा नियम के अंदर में प्रावधान है। और जब देखो अगर फीस अगर बढ़ाने की बात है तो 15% जो बढ़ाने का जो मामला है, तो ये सब चीज़ें जाके ये मामला जाएगा डिप्टी डायरेक्टर के पास। डिप्टी डायरेक्टर और कमेटी का दोनों का समन्वय होके एक नियम तय होगा, और यदि स्कूल को उसको चैलेंज करना है कि वो बोलेगी कि नहीं हमको बढ़ाना ही है, तो डिप्टी डायरेक्टर के पास जा सकती है। फिर दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि स्कूल जब चालू होती है तो उसमें एफिडेविट देते हैं स्कूल वाले कि हम बिना कमाई के स्कूल चलाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस में। तो मैं साधारण स्कूल के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि जो आरटीके नहीं है, और ऐसे बच्चों में जहाँ स्कूल में लाभ हो रहा है तो वहाँ भी कॉपी किताब, वहाँ भी गरीब बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको पीटीए के माध्यम से दी जा सकती है, क्योंकि एक्ट में लिखा गया है नो प्रॉफिट नो लॉस। अब स्कूल के पास करोड़ों रुपए है और वो उसका अपना मिसयूज कर रही है, तो इसका अधिकार लेना, इसकी जिम्मेदारी लेना आपकी जिम्मेदारी है। और यदि कोई स्कूल वाला पीटीए नहीं लेता तो आप आरटी एक्शन कमेटी को आप कंप्लेंट करो। मैं अंत में ये बताना चाहता हूँ कि हमारी एकता को तोड़ने वाले का सर्वनाश हो जाएगा। आवाज दो अम्बेडकर, आवाज दो अम्बेडकर, वारे पीटीए रहेंगे, पीटीए रहेंगे, वारे पीटीए आगे आप पीटीए, वारे पीटीए आगे आप पीटीए। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, वारे पीटीए आगे आप पीटीए। आरटी एक्शन कमेटी जिंदाबाद, आरटी एक्शन कमेटी जिंदाबाद। देखिए, मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप लोग हमसे जुड़े और एक आंदोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और एक बार सब्सक्राइब करने के बाद दोबारा मत करिए। आप लोग क्या करते हैं, बार बार सब्सक्राइब कर देते हैं,
एक बार सब्सक्राइब करने के बाद दोबारा ज़रूरत नहीं है इसको सब्सक्राइब करने की, आप बार बार लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिए। आरटी एक्शन कमेटी का चेयरमैन शाहिद शरीफ, वेरिफिकेशन ऑफिसर वेरिफिकेशन कमेटी और आज की एग्जीक्यूटिव कमेटी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जुड़ के काम करिए। धन्यवाद।